दोस्तों आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा ने चेन्नई की कप्तानी गुस्से में छोड़ी है या फिर महेंद्र सिंह धोनी ही बेस्ट विकल्प है कप्तानी के चेन्नई के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में भी राय देना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स में एक बड़ा भूचाल सा नजर आ रहा है। दरअसल इस टूर्नामेंट से पहले, आईपीएल से पहले, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जगह रविंद्र जडेजा को बना दिया गया था। रविंद्र जडेजा ने पहले 8 मैचों में शानदार कप्तानी करने का प्रयास किया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का इस बार जलवा रहा। महेंद्र सिंह धोनी ने ही 2 मैच चेन्नई को जिताए, लेकिन लगातार 6 हार के बाद चेन्नई में एक बार फिर से परिवर्तन हुआ है और महेंद्र सिंह धोनी को फिर से चेन्नई का कप्तान बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि रविंद्र जडेजा ने खुद से चेन्नई की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, सूत्र जो बताते हैं वो कहते हैं कि रविंद्र जडेजा इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें कप्तानी का केवल नाम के तौर पर कप्तान बनाया गया था, इसलिए उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते थे, वो जस्ट टॉस करने जाते थे और टॉस के सिवा उनका कोई काम नहीं था। ये रविंद्र जडेजा में नाराजगी थी और इसीलिए उन्होंने ये कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। आपके हिसाब से रविंद्र जडेजा ने जो कप्तानी छोड़ी है वो ठीक किया है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान ठीक हैं और ऐसे ही बने रहें, तो फिर महेंद्र सिंह धोनी का कप्तान के तौर पर अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें।